मेरी आईज रेड हो गई थी कि दीदी आधा वेस्ट करके घूम रहे हैं। वो तो लहंगा ऐसे खुला था, पूरा पर्दा था। अरे पेट में हुई है, इतनी डांट पड़ी ना अभी। हाय गाइज, वेलकम बैक टू ब्लश विद निकी व्लॉग्स। और ये है पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट बनाया था जब मैं फर्स्ट डे गई थी ग्लिटर्स बाय नीरू में। आज भी मैं जा रही हूँ ग्लिटर्स बाय नीरू में। मैंने बोला था कि हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, सो समथिंग गॉर्जियस इज कमिंग। तो अभी आज का आपको पूरा देखने को मिलेगा। बेसिकली हम करने वाले हैं एक फोटो शूट जो कि मेरा होगा और नीरू दीदी का भी होगा, बट आई एम द मॉडल एंड शी इज द मेकअप आर्टिस्ट। सो हम मेकअप शूट करने वाले हैं, बाकी आपको पूरा वहां पे जाके दिखाऊंगी मैं। सो गाइज, इफ यू आर न्यू my channel, make sure you subscribe to my channel and press the bell button to never miss any update. And बस अभी मैं almost ready हूँ, because मैं simple ही जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे जाके makeup वगैरह होगा, तो अभी मैं बिल्कुल simple हूँ। A few moments later, so guys मैं पहुँच गई हूँ और बैठ गई हूँ मैं आके। अभी दीदी आएंगे तो वो ready करेंगे मुझे भी, शायद खुद भी नहाने गए हैं आज भी वो। मेरी eyes red हो गई कितनी। मेरा ना मतलब घर से यहाँ का रास्ता 30 मिनट लग जाते हैं, ऑलमोस्ट 30 से भी थोड़े ज़्यादा 35 मिनट लग ही जाते हैं। और उस वजह से लाइक मैंने वो ग्लासेस लगा रखे थे तो मेरी आईज में वैसे मिट्टी वगैरह पड़ी थी। मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ। सो अभी दीदी भी आ गए हैं और ये लग रहा है सेटअप। यहाँ पे देखो इंडोर शूट होगा। इंडोर तो वैसे ज़्यादा नहीं करना, हमने आउटडोर ही करना है, तो वो लोकेशन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बट यहाँ पे ये सेटअप लग रहा है और दीदी ने सारा सामान भी ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ था पहले से ही। सो गाइज, मैं पूरे एक साल बाद मेकअप शूट करवा रही हूँ, मतलब मैं मॉडल बनी हूँ। एंड यहाँ पर मेरा स्किन केयर स्टार्ट हो चुका है शीट मास्क से। मुझे भी सीखना है हेयर स्टाइल, मुझे नहीं आते ज़्यादा। और आप लोगों ने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा कि हेयर स्टाइल कहाँ करती हूँ मैं, बस वही कॉम करके सीधा। और बहुत मुश्किल है हेयर स्टाइल करने, मेकअप तो फिर भी सीख लेते हैं, मतलब हेयर स्टाइल हर किसी के बस की बात नहीं है। और ये दीदी कह रहे हैं मैं सिखाऊंगी। ये जब भी क्लासेस लगाएंगे ना, मैं इनके पास आने वाली हूँ सीखने हेयर स्टाइल। दीदी आधा वेस्ट करके घूम रहे हैं, इनको भी रेडी होना है। ये बनेंगे ब्राइड, मैं तो कहती हूँ जीजू को भी बुला लो, शादी भी दोबारा करवाते हैं आजकल करते हैं ना। एक फोटो करवा, हाँ आजकल तो वैसे भी दो दो तीन तीन बार शादियाँ कर ही लेते हैं एक ही बंदे से। हाँ एक ही बंदे से करते हैं। डन हो गया एंड एकदम थक गई मैं बैठी बैठी। करने वाले भी तो थक जाते हैं और कराने वाले भी थक जाते हैं बैठे बैठे। ये नीरू दीदी की ड्रेस है, ये इनका दुपट्टा है, इतना सुंदर है। ये ज्वेलरी है ग्रीन कलर की, इनका ब्राइडल लुक है तो इनका थोड़ा सा हैवी है, तो मेरा भी है। तो अभी वी आर रेडी और अभी हमें ना 5 बज चुके हैं, हम निकल रहे हैं बिकॉज इतने पंगे हो गए हमारा लहंगे का। दीदी लहंगे उठा के ले, दीदी ने भी नहीं देखा, देने वाले ने भी नहीं, उसकी ना वो होते हैं ना साइड पे जो टांग का ही नहीं लगा हुआ था, वो लहंगा ऐसे खुला था, पूरा पर्दा था नहीं, और उसके बाद अभी 5 बज चुके हैं, हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। अभी रेडी हैं दीदी, देखो ब्राइड बने हैं। और कमेंट करके बताना जरूर हमारे मेकअप्स कैसे लग रहे हैं और हेयर स्टाइल भी, दोनों चीज़ें। वैसे हम हैं ही सुंदर, कोई बात नहीं। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। बाकी तो हो जाएगा मैनेज। अभी बस निकल रहे थे, दीदी के हस्बैंड आएंगे अभी, वो लेके जाएंगे हमें। कहाँ जा रहे हैं हम, कौन सी लोकेशन पे? विंडसर पार्क। हाँ विंडसर पार्क, वहाँ पे ना ज़्यादातर प्री वेडिंग शूट होते हैं हमारी सिटी के, तो हमारा भी शूट वहीं पे होने वाला है। स्टे ट्यून फॉर द पिक्चर्स एंड वीडियोज। इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी मिलेंगी कुछ, इनके अकाउंट पे मिलेगी कुछ, मेरे अकाउंट पे मिलेगी और कुछ, दोनों के अकाउंट पे सिमिलर मिलेगी।
हम शूट की लोकेशन पे तो पहुंच गए हैं और ना गाड़ी में पूरे नहीं आ रहे थे हम बड़ी मुश्किल से घुसा के लहंगे देख रहे हो हमारे 30-30 किलो के लहंगे पहने हमने बड़ी मुश्किल से गाड़ी में पूरे आके और जैसे तैसे चढ़ के उतर गए हैं। और ये लोकेशन ना अभी तो धूप है, हो जाएगा खैर अच्छे से। फिर ऐसे जा रहा है तो भारी है दुपट्टा भी, वो मैंने ऐसे डाल रखा है, पहले वाले वीडियो में भी दिख रहा होगा मैंने ऐसे पकड़ रखा था। अभी भी मेरे शॉर्ट्स एक बार तो डन हो चुके हैं, अभी फाइनली ये हमारा डन हो गया इतनी देर बाद। और हम ना मर रहे हैं इन लहंगों में, लिटरली हमारे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि ऐसे कोई तलवार नहीं रख देता है, हमारे पेट पे तलवार रखी हुई है, बहुत हैवी है लहंगे। और हमें ऐसे एक हमारी फोटोग्राफर की भी प्रॉब्लम हो गई थी, पूरे टाइम पे कराया सब कुछ लेकिन स्टिल हमारे शॉर्ट्स अच्छे आ गए हैं और हमारी वीडियोज भी अच्छी आ गई हैं। बाकी हम आउटकम क्या निकल के आता है वो आपको देखने को मिल ही जाएगा और आई होप कि अच्छा ही आएगा आउटकम, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है हमने। बाकी सब तो ठीक है, मेकअप हेयर के बाद ना ये लहंगा कैरी करके रखना, जो ब्राइट्स है ना पता नहीं कैसे पहनती हैं इतने हैवी हैवी लहंगे, बहुत मुश्किल है। बस अभी हम जा रहे हैं घर पे, फाइनली जाके लहंगे उतारेंगे हम ये वाले। ओके बाय बाय, ये दीदी की तरफ से, मैं तो मिलती हूँ बाद में आपको दोबारा से। भैया भाई भाई एक एक चीज रह गई, नेल्स की तो पिक्चर रहेगी हमारी, कोई नेल्स फ्री में करके गया था फ्री में तो तो हाँ तो यही है वो तो। अकेले अकेले की एक-एक पिक्चर हो जाए ऐसे नहीं, ऐसे नहीं फिर So guys, मैं पहुंच गई हूँ घर और मैं काफी लेट हो गई, लाइक मुझे 7:15 बज गए थे और अंधेरा हो जाता 7:15 बजे एंड मुझे लगा था 6 बजे तक फ्री हो जाएंगे बट लेट हो गए, तो मुझे इतनी डांट पड़ी ना अभी तक मम्मी से, डांट पड़ रही है साला ये दुख का खत्म होता बे। तो मैंने ना लेंसेज भी अभी मम्मी से निकलवाए हैं क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं लगा और मेकअप मैंने निकाला नहीं, मैंने कहा घर पे जाके निकालूंगी। और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, चाय पी थी दोपहर को हमने और कुकीज खाए थे एक दो, एंड अभी दीदी ने पिज्जाज मंगवाए थे और दीदी मेरे को इतना बोल रहे थे रुक जा अभी जस्ट आ जाएंगे, अभी 2 मिनट में आ जाएंगे खा के जाना, मेरे पास टाइम ही नहीं था, मेरे को इतनी भूख लग रही थी बट मैं रुक नहीं सकती थी। अभी घर पे आई हूँ तो अभी कुछ खाऊंगी, उससे पहले मैंने सोचा पहले मैंने लेंसेस निकलवाए हैं और अभी मेकअप रिमूव करती हूँ मैं जल्दी से। फॉर द मेकअप रिमूविंग एंड यूजिंग दिस हर कोई की क्लिंजिंग बाम, दिस इज माई फेवरेट। लाइक अभी कितना हैवी मेकअप करा हुआ है मेरे, ये सारा मेकअप मेल्ट कर देती है बहुत ईजीली, इसका मैंने एक अलग से रिव्यू भी डाल रखा है, 2 मिनट में ही सारा मेकअप निकाल देती है। सो गाइज मैंने स्किन केयर भी कर लिया, अपना नाइट स्किन केयर कर लिया फेस वॉश करके एंड ऑल डन, और अभी बस मैं इतनी थकी हुई हूँ ना, अभी बस खाना खा के ना मैं गिर जाऊँगी और सो जाऊँगी। एंड अभी आई गेस 8:15 इतना ही टाइम हुआ है बट मुझे बहुत नींद आ रही है, मेरा हेडेक हो रहा है, सह लेंगे थोड़ा सा। ऑल द पिक्चर्स एंड वीडियोज आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।